नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर आयरन लेडी के नाम से विख्यात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की आज 105वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर जबलपुर के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि इंदिरा जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने नेहरू जी के सपने को साकार करते हुए देश की आधुनिकता के पथ पर अग्रसर किया था। आज हम सभी ने उनके चरणों में नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की जन्म जयंती के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के द्वारा यहां पर माल्यार्पण पुष्पांजलि के साथ साथ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इंदिरा जी के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इंदिरा जी वो पहली भारतीय महिला थी जो देश की प्रधानमंत्री बनी, और उनके बाद से लेकर आज तक अभी यह सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ कि कोई और मातृशक्ति हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी हो। दुनिया की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी बनी थी किसी भी देश में, और ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। आज जो हमारा देश तरक्की के राह पे दिखा है, जो कुछ नेहरू जी के समय में हमारे देश को मिला था, उसके बाद इंदिरा जी ने उसको बढ़ाते हुए हमारे देश को बहुत कुछ दिया। हमारा देश तरक्की के राह पे बहुत आगे बढ़ा था, जिसकी कमान आगे चलकर फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संभाली थी, और आधुनिक देश हमारा उसी दौर में बनना शुरू हो गया था। आज हम सब शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, संस्कारधानी की तरफ से पूज्य स्वर्गीय इंदिरा जी के चरणों में नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।